तो दोस्तों ये यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30 FPS पर, और ये लावा Z6 के बैक कैमरे से यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में। और इसमें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों 6.51 इंच की एक बेहतरीन HD+ डिस्प्ले। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कैमरे की, तो इसमें आपको 13+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर इसमें दोस्तों जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जो मेरे पास दोस्तों वेरिएंट है उसमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डायनामिक रेंज से, तो भाई डायनामिक रेंज इस फ़ोन की आप बोल सकते हैं यार ठीक ठीक सी है यार दोस्तों, ज़्यादा अच्छी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और अगर डे में दोस्तों अगर आप लोगे तो HDR मोड ऑन करते ही डायनामिक रेंज यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी दोस्तों आप लोगों को। और HDR में दोस्तों अगर आप शॉर्ट्स लोगे तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर रहने वाला है। बात करें दोस्तों कुछ और सैंपल्स की, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे सैंपल्स लिए हैं, और डे लाइट में दोस्तों ये कैमरा काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करता है। लावा दोस्तों Z6 ये टॉप वेरिएंट है 11,000 रुपये वाला दोस्तों, तो इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों कि यहाँ पर आप कलरफुल इमेजेस ले सकते हो या नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोके इफेक्ट है, नेचुरल बोके इफेक्ट, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से निकल कर आया है। तो नो डाउट दोस्तों लावा ने बहुत अच्छा काम किया है अपने इस फ़ोन पर, और हम दोस्तों इंडियंस हैं तो इंडियन कंपनी को सपोर्ट भी करेंगे। बात करें दोस्तों ऑब्जेक्ट, अगर आप यहां पर फोटो लोगे किसी छोटे ऑब्जेक्ट की, तो नेचुरल ब्लश दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, उसमें दोस्तों कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। डिटेल्स की दोस्तों बात करें तो वो हाँ दोस्तों हल्की सी यहां पर डिटेल्स मिसिंग है, स्मूथनिंग इस फोन में थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी दोस्तों कलर्स वगैरह यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी दोस्तों जो मुझे यहाँ पर कमी लगी वो लगी इसके दोस्तों लो लाइट में, तो यार जब आप यहाँ पर लो लाइट में फोटोज़ लेना जाओगे तो थोड़ी आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। एक और सैंपल में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो में दोस्तों काफ़ी नॉइस आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30 FPS पर इसके बैक कैमरे से, जो आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों मैंने EIS ऑन किया है, और स्टेबलाइजेशन में बात करूँ तो बहुत आराम से दोस्तों मैं इस टाइम चल रहा हूँ। ट्राईपॉड में दोस्तों फ़ोन लगा है, फिर भी आपको थोड़ी सी यहाँ पर शेक की वीडियो प्रोवाइड हो रही है। तो EIS दोस्तों अच्छे से वर्क नहीं करता है, और इसमें आपको 4K का वीडियो सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और सैंपल्स पर, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। डिटेल्स की दोस्तों बात करूँ तो डिटेल्स तो आपको उतनी खास देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों बाकी सैचुरेशन लेवल वगैरह आपको यहाँ पर ठीक देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की, तो वो मुझे यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सही लगा पोर्ट्रेट शॉट, बोके इफेक्ट यहाँ पर फ्रंट सेल्फी में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और कलर्स वगैरह आप देखेंगे दोस्तों बस हल्का सा यहाँ पर वाइट इफेक्ट ज़्यादा है, बाकी सब कुछ सही है। बात करें दोस्तों यहाँ पर बैक पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सही है, लेकिन किसी किसी शॉट में दोस्तों हल्का सा यहाँ पर मिसगाइड हो जाता है दोस्तों कैमरा, और ब्लर कर देता है मेन ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों ये कभी कभी होता है, इस फोटो में आप देख सकते हैं इस फोटो में इसने ऑब्जेक्ट को ब्लर नहीं किया है। तो ये ऊपर नीचे दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर लावा ठीक कर देगा। और इंडोर शॉट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ खास नहीं आते हैं, पर तब भी दोस्तों ठीक ठाक में बोलूँगा, अगर आप शॉर्ट्स लेना चाहते हैं तो थोड़ा लाइट में ले। बात करें दोस्तों नाइट की, तो नाइट दोस्तों यहाँ पर ये कैमरा मैनेजर से आपको बोला कि लो लाइट में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए लावा को यहाँ पर कुछ करना होगा। और बाकी बात करें वाइड एंगल की, तो वाइड एंगल में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे शॉट्स निकाल कर दे देगा। तो दोस्तों इसमें आपको वैसे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर इसमें नाइट मोड जो प्रोवाइड किया गया है, तो नाइट मोड यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों काफ़ी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप राइट साइड पर यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर फोटो निकल कर आई है नाइट मोड ऑन करने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैमरा कैसा फोकस कर लेता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट का फोकस है यहाँ पर कैमरे के ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें स्लो मोशन की, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में फुल यहाँ पर दिखा दूंगा कि कैसे आप इसमें वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो स्लो मोशन।